कॉम्प्लीमेंट, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग, और आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगी अपने जो है डेली रूटीन। तो बस आज जो है सुबह का टाइम हो रहा है, पूजा वगैरह कर ली है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो क्या होता है कि काम जल्दी जल्दी जो है ना फ्री हो जाते हैं। पर आज मन नहीं लग रहा है और अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जो है जब बच्चे घर से चले जाते हैं तो घर एकदम सूना हो जाता है, एक आध दिन के लिए ही आते हैं। और 2 दिन पिछले बहुत ज्यादा मतलब बिजी निकले। काम तो हम रोज ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कुछ काम, लेकिन हाँ जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर लगता है कि उनकी पसंद का खाना वगैरह या कोई चीज इस तरह से बनाए, तो बस उसी में थोड़ा सा टाइम अच्छा निकल जाता है। और कुछ इस तरह से था कि घर ना ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो बात करते करते भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। चलो धीरे धीरे रूटीन में आ जाते हैं, काम तो सारे ही चलते हैं, तो बस वो भी जाके अपने ऑफिस में लग जाएंगे और हम भी अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन हाँ शुरुआत में थोड़ा थोड़ी तो दिक्कत होगी। तो बस पहले बनाती हूँ मैं चाय, क्योंकि सबसे पहले है ना चाय पी के ही दिन की शुरुआत होती है। तो आज तो ये था कि थोड़ा मंदिर वगैरह भी गई थी सुबह, जैसे मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ, तो बस वहां से आने के बाद जो है ना काम निपटाने वाले थे जो, वो भी कुछ करने के बाद, और जो है ना बनाती हूँ मैं चाय। तो आप लोगों के साथ बस आप लोग भी चाय पी लीजिए, और नाश्ते में कुछ तो जैसे रखा हुआ है, लेकिन अभी कुछ मन ऐसा ज्यादा नहीं कर रहा। और ब्रेड जो रखी हुई थी तो बस मैंने जो है ना ब्रेड 2-3 निकाल ली है, मन करेगा तो एक दो क्या खाऊंगी पता नहीं है। पर ये है कि थोड़ा सुबह सुबह में कुछ लेना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं लेंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत भी था, तो व्रत की वजह से क्या होता है नेक्स्ट डे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम होती है तो रखना नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा उसी हिसाब से रखते हैं जैसे अपने आप को अपना शरीर काम करता है उसी हिसाब से हमें रखना होता है। तो बस मैंने सुबह थोड़ा सा नाश्ता तो हम करते ही हैं चलो, लेकिन जिस दिन फास्ट होता है उसके अगले दिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है नमक वगैरह का और इस तरह से, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है मुझे। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे दिन उतना ही नहीं होता, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे जब अपने आपको आपका रूटीन समझ में आने लग जाता है तो आप अपनी केयर जो है ना करने लग जाते हैं। और वही है कि जब आपको पता होता है कि बच्चे भी पास में नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो ऑलरेडी आप अपनी केयर करने लग जाते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर हम फैमिली को कैसे ध्यान रखेंगे। और बच्चे भले ही दूर होते हैं लेकिन इंटरेक्ट रहते हैं, अपने लोगों से कनेक्ट रहते हैं, तो अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो चाहे वो ऑफिस कर रहे हो, फिर उनका ध्यान वहां पे नहीं लगता और उनको भी टेंशन होती है। हम तो फिर भी कह लेते हैं पर बच्चे कहते नहीं है, तो इस वजह से हमने अपने आप को जो है ना चेंज करना शुरू कर दिया है काफी। मैं जब से मतलब गए हैं दोनों बच्चे, पहले क्या होता था कि एक चला जाता था एक रहता था, तो फिर पता नहीं लगता है कि चलो एक तो घर में है, लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों ही जब चले गए हैं और जाना भी है, तो बस उस हिसाब से हमने अपने आप को सेट कर लिया है। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जैसे अकेले रहते हैं, लेकिन खाने पीने में बिल्कुल भी ऐसे आलस नहीं करते कि चलो अकेले हैं तो हम ये चीज नहीं खाते हैं, ये कर लेते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और आयो मुझे लगता है कि मेरे जो वीडियो देखते होंगे तो बच्चे भी मेरे देखते हैं, तो वो इस चीज का उनको अच्छा लगता होगा कि चलो ये लोग अपनी केयर करते हैं तो हम भी फ्री होके रहे, और होना भी चाहिए उनको भी अपनी केयर इसीलिए करनी, क्योंकि हम कह सकते हैं फोन पे समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ अब रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं। तो अभी जैसे ना सुमित अभी तक क्या था कि फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन अभी किसी रीजन से उनको फिर फ्लैट चेंज करना पड़ा और अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से वो पीजी में शिफ्ट हो गए हैं। तो बस अब उनके लिए जो है ना कुछ खाने के लिए, पीजी वैसे बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन अच्छा है कि खाना वगैरह अच्छा मिल रहा है। तो इतने में ही आपको अगर उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी ज्यादा चला जाता है तो कम से कम ये हमें तसल्ली रहती है कि बच्चा खाना प्रॉपर खा रहा है और टाइम से मिल रहा है सब चीजें। इस तरह से जो है ना अपने आपको थोड़ा सा करना भी पड़ता है, और अगर जब थोड़े बाहर रहने लग जाते हैं बच्चे तो बच्चे भी समझने लग जाते हैं। तो बस उनके लिए बना रही हूँ मैं बेसन के लड्डू, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा वो खाते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जैसे रूम पे रखा होना चाहिए, जिससे क्या है कभी मन करता है कुछ खाने का कुछ करने का तो घर की चीज बनी हुई होती है तो वो जरूरी होती है। तो मैंने इससे पूछ लिया था कि क्या खाना है, और खोए वगैरह की चीजें अभी गर्मियों में जैसे कि थोड़ा सा अच्छी भी नहीं रहती है, क्योंकि मार्केट से भी अगर हम कोई चीज लेते हैं ना
तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज नहीं मिलती है, और गर्मियों में वैसे भी अवॉइड करना चाहिए इस तरह की चीजें। हाँ, अगर घर पे भी बनाते हैं तो लंबे टाइम तक ये चीज नहीं चलती है, तो बेसन की जो है, चाहे वो बर्फी हो चाहे वो बेसन के लड्डू हो, ये थोड़ा लंबे टाइम तक भी निकल जाते हैं, और इनमें इस तरह की चीजें नहीं। और घी भी इन इसी के माध्यम से घी वगैरह ड्राई फ्रूट इनके पेट में चला जाता है, तो हम लोगों को यही सबसे बड़ी तसल्ली होती है। तो बस मैंने धीमी धीमी आंच पे जो है ना बेसन अच्छे से भूंज लिया है, थोड़ा घी, जब हम बच्चों के लिए चीज बनाते हैं घी थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है, तो बस ये इलायची मैंने पीस के जो है ना इसी में छन्नी से छान दी है, और इसकी जो पत्तियां बची हैं जो छनी हुई है उसको मैं चाय पत्ती के डब्बे में डाल दूंगी। तो बस लड्डू जो है इनको करके रख दे रही हूँ, इस थोड़े से ही मतलब जैसे एक डब्बा कर दूंगी, और उसके बाद जब दोबारा आएंगे तब ताजी चीजें फिर बना दूंगी। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ज्यादा नहीं बनाना, उसको मटा के आलू बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस मैंने यहाँ पे मटा के आलू बनाए थे और बनाए थे चावल, साथ में मन करके उनका पूरियां खाने का। और ये जो सामान रखा हुआ है तो ये मैं धीरे धीरे इकट्ठा करती जा रही हूँ, कुछ सामान वो लेके जाएंगे, तो जो जो याद आता जा रहा है मैं रखती जा रही हूँ। अब यहाँ पे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च मैंने जो है ना फ्राई करने रख दिया है, यहाँ पे बनाऊंगी मैं खिचड़ी, तो साबूदाना की खिचड़ी जो है बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। तो पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन जब मैंने एक दो बार जो है ना खाई तो फिर अच्छी लगी, तब से मैंने बनाना स्टार्ट कर दी। अब बच्चों को भी पसंद आती है तो फिर आए दिन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल इसमें जो है ना, सॉरी, साबूदाना है या मखाने हैं तो इसमें कैल्शियम वगैरह अच्छा होता है, तो वैसे भी हम लोगों को ये फायदा करती है। तो बस अब हम फ्री होने के बाद रात को सामान मैंने दिन में भी मतलब जैसे याद आता जा रहा था, जो जो उसको जरूरत थी मैंने एक जगह रख दी थी, अब मैं उसकी पैकिंग करने वाली हूँ। क्योंकि जब एक दिन के लिए आते हैं ना, एक दिन जैसे आए दोपहर तक और एक दिन रुकने के बाद इनको निकलना है, तो टाइम बहुत कम होता है, यही नहीं समझ में आता कि क्या बना के खिलाते हैं, और बच्चों को भी नहीं लगता है, फ्री होके उनको रेस्ट करना होता है, घर में थोड़ा रिलीफ लगता है, लेकिन जाने का समय जो है ना तुरंत आ जाता है। तो बस फिर भी चलो पास में है, तो अब ये है कि वीकली आना पॉसिबल नहीं होता है, विद इन 15 डेज आ जाए करेंगे, थोड़ा गर्मी की वजह से भी बच्चे अवॉइड करते हैं, और हम लोग भी कह देते हैं कि ज्यादा गर्मी है तो परेशान नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए जो बनाए थे लड्डू वगैरह वो है, कुछ उसको बर्तन लेके जाने थे, क्योंकि जैसे चाय कॉफी वगैरह होता है ना, तो गर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, या कभी उनका कुछ मन कर रहा है मैगी वगैरह बनाने का तो बना सकते हैं। तो अभी उसके पास कुछ भी बर्तन इस तरह से कोई सामान नहीं था, तो मैंने धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सारी चीजें जो है ना पैकिंग करके और बैग लगाना शुरू कर दिया है। और इन कुछ मैं जैसे जो कॉफी वाली बॉटल खाली हो जाती है ना, तो उनको फेंकते नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, और मैं इसीलिए उनको अंदर स्टोर में रखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बाहर रहते हैं तो ऐसी चीजें हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो जितने भी मेरे पास कॉफी की बॉटल थी 5-6, उनमें मैंने सारा इनका जो सामान मुझे चाहिए इनको चाहिए था, तो जैसे चाय का मसाला घर का बनाया है तो वो इनको पैक करके दिया, या नमक घर पे पीसती हूँ मैं, साबुत नमक मार्केट से, जब हम ही नहीं खरीदते तो बच्चों को भी मैं वही वाला नमक जो है ना घर से देती हूँ। इस तरह से चीजें हैं, थोड़ी लाल मिर्च है या चाय पत्ती चीनी वगैरह थोड़ी घर से ही दे दी, बाकी तो वो वहां जब उनको जरूरत लगेगी तो ले लेंगे, लेकिन अपने पास जब सामान रखा होता है ना, और कुछ ऐसे जैसे छोले वगैरह है ये चीजें मिक्स करके दे दी बिल्कुल के लिए, तो तसल्ली भी हो जाती है कि घर से ले जा रहे हैं खरीदने को तो वो वहां से खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये लगता है कि इनकी कोई चीज छूट नहीं जाए। तो कितने भी आप थके होते हैं या कितना भी मन नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह का काम होता है ना, तो हम फटाफट से उठ जाते हैं, और हमें लगने लग जाता है कि बच्चे कोई चीज छोड़ ना जाए, कोई कपड़े नहीं छोड़ जाए, कोई सामान नहीं, तो इस वजह से फिर इनकी पैकिंग करना जो है ना हम स्टार्ट कर देते हैं, और ये भी लगता है। तो बस रात को पैकिंग वैकिंग करके और सुबह जो ना 4:30 बजे मतलब उठ गए थे, और ये 5 बजे वाले से निकल गया है, क्योंकि ठंडे ठंडे में पहुंच जाता है और टाइम तो लग ही जाते हैं चलो, लेकिन ये कि जाने के बाद जो रास्ते में सफर करते हैं ना बहुत दिक्कत आती है, तो इस वजह से क्या होता है बिल्कुल ठंडे ठंडे में, तो वो 9:30-10 बजे तक पहुंच जाएगा, और इतने में ही क्या है कि जब तक धूप होगी तब तक पहुंच जाएगा। और इधर जो ना कॉल करने का टाइम आ गया है, जैसे बच्चों को आदि को भी कॉल करती हूँ या सुमित को भी करती हूँ, तो सुबह ये बच्चों का टाइम एक बना हुआ है कि रात को और सुबह दो टाइम कॉल करते ही करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों से बात हो जाती है, तो हमें भी टेंशन नहीं रहती है कि चलो सुबह बात हुई थी या शाम को बात हुई थी। तो ये हर पेरेंट्स को ही लगता है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं,
और बच्चों में भी एक हैबिट आ जाती है कि हमें टाइम से बात करनी है। जिस दिन थोड़ी सी रूटीन में लाने में समय लगता है जब पहले शुरू शुरू में निकलते हैं, लेकिन जब वो डेली बात करने लग जाते हैं ना और फिर किसी दिन कॉल नहीं आता, हम जैसे कोई कारण कॉल नहीं आया या उनको थोड़ा सा भी भूल गई या क्लास लग गई या कुछ भी है, तो जब कॉल करो ना तो तुरंत एकदम से यही जवाब देते हैं, मम्मी आज कॉल नहीं कर पाया था, मतलब टाइम नहीं लगा। तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि वो डेली रूटीन उनका बना होता है, तो डेली रात को बात होती है, सुबह बात होती है। तो बस ये हैबिट हर बच्चे में होनी चाहिए और हम लोगों को भी बच्चों का थोड़ा सा ध्यान इसलिए एक्स्ट्रा रखना चाहिए कि भले ही बच्चे बाहर सरवाइव कर रहे हैं, बाहर सीख गए हैं और हैबिट अच्छी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया है, आपके बच्चे आपके हिसाब से रहते हैं और बाहर कौन कैसा है क्या है, तो हम लोगों को एक ना चिंता हमेशा रहती है, लेकिन छोड़ना भी है तो उनको सिखाते भी हैं और समय समय पर टोकते भी रहते हैं। कुछ बातें बच्चों को अच्छी लगती है, कुछ बातें बच्चों को लगती है कि अब हम बड़े हो गए फिर भी ऐसे टोकते हैं समझाते हैं, लेकिन माँ बाप का काम तो सारी जिंदगी समझाना ही रह जाता है। तो बस आप लोगों से हो गई बात और सारा करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर घंटे 2 घंटे तो मैं ब्रेक लूंगी, क्योंकि मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है। फिजिकली तो थकान नहीं होती है क्योंकि हम लोगों को हैबिट होती है काम करने की, लेकिन मेंटली जो है ना मन नहीं लग रहा है, घर खाली खाली लग रहा है। तो बस चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा अच्छा लगता है या मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए करो, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है, पर वीडियो तो पूरा देख लिया करो। अगर आपको खुद भी कुछ लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज पे ध्यान दूंगी। सो गाइस थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।